जिनका अनिश्चित होता है नाम, जिन्हें नहीं पाते या भाव अचानक फन फैलाए आपकी राह में खड़े होते हैं, अमूमन आपकी सोच से बड़े होते हैं। आप इन्हें कुचल नहीं पाते, भागना भी यह संभव बनाते। नरम सोफे पे कहीं बैठे होते हैं, आप पिटारे में कहां मिलते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं सांप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ज्ञान प्लस में। आपने देखा होगा कि कभी घर पड़ोस में कोई सांप दिख जाता है तो पूरे मोहल्ले में हो हल्ला मच जाता है, और इन्हें देख के कुछ लोगों की तो रू तक कांप जाती है। सांप करोड़ों सालों से पृथ्वी पे वास कर रहे हैं, जो हर तरह से जलवायु और वातावरण में ढल जाते हैं। ये अंटार्कटिका का छोड़कर हर महाद्वीप पे मिल जाते हैं। वैसे तो दुनिया में इनकी 2,500 से 3,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही जहरीले होते हैं। आमतौर पर शहरी इलाकों और बड़ी आबादी वाले जंगलों में छोटे सांप ही दिखते हैं, लेकिन कुछ इतने बड़े सांप होते हैं जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे कि स्कूल बस जितने लंबे सांप, टेलीफोन के खंभे जितने बड़े अजगर, और तो और 1/4 टन जितने भारी भरकम एनाकोंडा। तो आइए जानते हैं दुनिया के 7 सबसे बड़े सांपों के बारे में। नंबर 1, 33 फीट एनाकोंडा। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ब्राजील के एक डैम कंस्ट्रक्शन साइट पर 33 फीट या 10 मीटर लंबाई वाला एक विशाल एनाकोंडा मिला। 400 किलो का यह एनाकोंडा ब्राजील के एल्टामिरा केव में एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के बाद मिला। उन्हीं में से एक वर्कर ने इसका वीडियो लिया, जिसमें देखा जा सकता है कि इसका डायमीटर 1 मीटर का है। इसी के बाद वर्करों ने इस सांप को चैन से क्रेन पे बांधा। जब इसे उठाया गया तभी दिखा कि इसके पेट के नीचे पीले धब्बे हैं और ये एक येलो स्पॉटेड एनाकोंडा है। जब इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड किया गया तो उस क्लिप की बहुत निंदा की गई। ये माना गया कि बिल्डरों ने इसे इसके प्राकृतिक वास में रहने देने के बजाय इसकी हत्या कर दी, पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस धमाके से इसकी मौत हुई, क्योंकि वीडियो में इस एनाकोंडा का सर चपटा दिख रहा है। शायद धमाके का मलबा गिरने से उसके सर पे चोट के कारण उसकी मौत हो गई। नंबर 2, ब्राजील रिवर एनाकोंडा। एक ऐसे ही बहुत बड़े सांप का वीडियो आप देख सकते हैं, जहां ब्राजील के 3 मछुआरे इस एनाकोंडा से रूबरू हुए। इस एनाकोंडा ने नाश्ते में बहुत बड़ा जानवर खाया है, जिससे इसका पेट बहुत बड़ा दिख रहा है। ये जब इस नाव से दूर जाता दिखा तो मछुआरों ने चप्पू से इसे 1-2 बार छेड़ने की कोशिश की और उसकी पूंछ पकड़ने की भी जिद्दोजहद की, पर उसने झटके से अपने बड़े शरीर से नाव को दूर हटाने की कोशिश की। बिना लाइसेंस के वन्य जीव को पकड़ना और उनका शिकार करना वर्जित है, इसलिए लोकल मीडिया की रिपोर्ट आई कि इस नियम का उल्लंघन करने के तहत इन 3 लोगों पर $600 भरने और 18 महीने की जेल काटने का जुर्माना लगाया गया। नंबर 3, द नबो। एक ऐतिहासिक दंत कथा के हिसाब से नबो बहुत ही खतरनाक सांप था। ड्रैगन जैसा खूंखार सर, 7 नाक वाला और तकरीबन 100 फीट की औसतन लंबाई वाला जीव था, लेकिन मलेशिया में स्थित बोर्नो की बलय नदी के पास बसे गांववासी इस तस्वीर के बाहर आने के बाद ये मानने लगे थे कि पौराणिक सांप नबो लौट आया है। इस तस्वीर में एक असाधारण दिखने वाला सांप सुनसान नदी में तैरता हुआ दिख रहा है। यह तस्वीर 2009 में सिबुक डिजास्टर रिलीफ कमेटी के एक सदस्य ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ का मुआयना करते हुए ली थी। इस खबर ने सिर्फ कुआलालंपुर ही नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम तक खलबली मचा दी थी। वहां के स्थायी निवासियों ने ही इसे नबो का नाम दिया था, एक प्राचीन समुद्री सांप जो खुद को अलग अलग जानवरों के रूप में बदल सकता है। नंबर 4, मेडूसा। 12 अक्टूबर 2011 को एक रेटिकुलेटेड पाइथन यानी जालीदार अजगर कैंसर सिटी मिजोरी में मिला। यह अजगर 25.2 फीट लंबा था। उस वक्त का कैद में रहने वाला यह सबसे लंबा सांप माना गया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इस सांप की उम्र 10 साल बताई गई और इसे उठाने में 15 लोग लगे। इसे पकड़ने के बाद कैंसर सिटी के फुल मून प्रोडक्शन ने इस सांप को गोद ले लिया और इसका नाम मेडूसा रखा गया। गोद लेने के बाद से खुराक में इसे खरगोश, सुअर और हिरन दिए जाने लगे। मेडूसा एक बार में 80 पाउंड या 36.2 किलो का हिरन खाने की क्षमता रखती है। नंबर 5, लॉन्गेस्ट मलेशियन पाइथन। अप्रैल 2016 में 26.2 फीट का एक विशाल का एक जालीदार अजगर मलेशिया के पाया तेरुबोंग प्रांत में एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास मिला। मिलने के 3 दिन बाद अंडे देते हुए उसकी मौत हो गई। समाचार सूत्रों की माने तो यह सांप एक पिकअप ट्रक से भी लंबा था। यह ट्रक लंबाई में 19.3 फीट या 5.8 मीटर के होते हैं।
ये मेड्यूसा से भी लंबा सांप था। किसी को भी नहीं पता कि ये अंडे देते ही मर क्यों गई। इस आकार का सांप एक बार में 75 अंडे दे सकते हैं। नंबर 6, टाइटनोबोआ। वैज्ञानिकों का एक मत यह भी है कि 60 लाख साल पहले रहस्यमय तरीके से डायनासोर्स के लुप्त होने की वजह एक भीमकाय सांप टाइटनोबोआ है, जो उस काल में सभी जीवों पर राज करता था। यह बोआ कंस्ट्रक्टर प्रजाति का पूर्वज है। इस सांप के होने के तथ्यों की खोज 2009 में लाग्रजीरा कोलंबिया के सेरेहोन में बसे दुनिया के सबसे बड़े ओपन पिट कोल माइंस में वैज्ञानिकों के एक समूह ने की। मगर इस खोज के शुरू होने से पहले 2002 में साउथ अमेरिका के ऐतिहासिक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से एक विशाल जानवर के वर्टिब्रे के कुछ फॉसिल्स मिले, जो प्राचीन युग पेलियोसिन एपोक के प्रतीत हुए। पहले वैज्ञानिकों को लगा कि ये मगरमच्छ के रीढ़ की हड्डी के फॉसिल्स हैं, मगर इतिहास के एक विद्यार्थी ने खोजा कि ये अवशेष तो सांप के हैं। इन सारे तथ्यों को एकत्रित करके 22 मार्च 2012 को इस सांप की हड्डियों से अनुमान लगा के एक ढांचा वैज्ञानिकों ने बनाया, जिससे टाइटनोबोआ का एक फुल साइज मॉडल रेप्लिका तैयार किया, जो कि 14.6 मीटर लंबा और वजन में 1135 किलो का है, और अब ये नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री में रखा गया है। नंबर 7, जायंट स्नेक। वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1959 में बेल्जियम के बड़े औहदे वाले फाइटर पायलट रेमी वैन लियाडे कांगो में एक मिशन खत्म करके अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर से लौट रहे थे। तभी उन्होंने एक विशाल सांप जमीन पर रेंगता दिखा। उन्होंने हवा में काफी चक्कर काटे ताकि एक सदस्य उस सांप की तस्वीर ले सके। वैन लियाडे के हिसाब से यह सांप तकरीबन 50 फीट लंबा, गहरे हरे और भूरे रंग का था, जिसके पेट का रंग सफेद था। इसका सर 3 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा था और जबड़ा त्रिकोणा था। जब वो पास से देखने के लिए हेलीकॉप्टर को थोड़ा नीचे लाए तो ये सांप 10 फीट ऊपर उछला और हेलीकॉप्टर पर हमला करने की कोशिश की। जब ऐसे ही कुछ और बातें सामने आई तो निरीक्षण के लिए CIA हेडक्वार्टर्स को वो तस्वीर भेजी गई। अनुमान से शोध के बाद उन्होंने बताया कि इसकी लंबाई लगभग 200 फीट है। अब आप इसकी तुलना आज के रिकॉर्डेड सबसे लंबे सांप से कीजिए, जो सिर्फ 33 फीट का है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है उपविंदर सिंह जी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए उपविंदर सिंह जी ज्ञान प्लस आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता है। और दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो में आप में से ही किसी एक को मिलेगा ज्ञान प्लस की तरफ से शाउट आउट। आप सांपों से डरते हो या इन्हें बेहद पसंद करते हो, लेकिन इनके बारे में जानना एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। हमारा फर्ज था आप तक ये जानकारी लाना। ऐसे ही आपका भी फर्ज बनता है कि फटाफट हमें बताएं कि आपको सांप पसंद है या नहीं, कि आप कभी सांप से रूबरू हुए हैं, या आपके पास सांप की कोई रोचक कहानी है जो आप हमारे साथ बांट सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से हम तक अपनी कहानियां जरूर पहुंचाएं और हमें बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।